First of all, congratulations for passing your 10th standard exams and securing good marks and getting into college. Now, today we are going to discuss about FYJC Economics. Now, economics, a subject which is going to be useful to you from FYJC onwards till your TYBCOM. And whenever you go forward with other studies, like if you want to do CA, you want to do CS, you want to do CMA, in all the courses, the course of economics plays a very important role. So therefore, let us try and understand what does the word economic means. The way we understand in when we convert this word into Hindi or into Marathi or into Gujarati, we say that economics means Arthashastra, right? A science which is related to money. It comes from two different words, Artha and Shastra. Artha means money or wealth, and Shastra means science. So therefore, a science which deals with money and wealth is what we call it as economics. So when we are studying economics, basically we are trying to discuss about money and wealth. The origin of the word economics, we understand, is derived from the word oikonomia. It comes from two different words, that is oikonomia. Oiko, oiko ka matlab kya hota hai? Oiko ka matlab hota hai household. And nomia means management. So oikonomia together means management of household. Right? Now question arises, what do we mean by household? So we say that household in this sense means consumer. Okay, we all fall under the category of a consumer, and we as a consumer has got unlimited wants, right friends? Do we have limited wants? Suppose if I give you a piece of paper और मैं आपसे कहूं कि भाई ये पेपर पे आप जो कुछ भी मन में आता है सब लिख दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएगी, आपको उसके लिए एक रुपया भी पे नहीं करना है, आपको उसके लिए एक पैसे का एफर्ट नहीं करना है, राइट? आपको जो भी जीवन में चाहिए सारी चीजें लिख दीजिए, आपको सब चीजें मिल जाएगी. नाउ इन दैट केस इफ यू कंसिडर, है ना, इफ आई गिव यू वन आवर टू लिस्ट डाउन एवरीथिंग, है ना, आई एम श्योर हमारे, है ना, पेजेस कम पड़ जाएंगे लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी. Right. यानी what we mean to say is that कि हमारे wants जो है वो unlimited है, पर हमारे पास जो resources है वो कैसे है, limited है. इसी वजह से हम अपने सारे wants को satisfy कर पाते नहीं है ना, हम अपने सारे wants को satisfy कर पाते नहीं. We have to make a choice, right? अगर सपोज आज घर जाके, है ना, हम पेरेंट्स को बोले कि पापा एक, है ना, आईफोन 13 प्रो मैक्स ले दो, तो ऐसा तो होना नहीं है कि पापा जो है वो, है ना, तुरंत जो है वो गले में से या तिजोरी में से लाख रुपए निकाल के आपको दे दिया, बोला जा बेटा ले आ, राइट? सो इसी वजह से, है ना, द वे वी से दैट के हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाते नहीं. We will have to manage, ना, हमें मैनेज करना होगा. पेरेंट्स भी हमें कई बार कहते रहते हैं मैनेज करना सीखो, जो है उतने में चलाओ, जो है उतने में मैनेज करो, है कि? So, इसी वजह से we say that के, ना, it is management of household. एक व्यक्ति किस प्रकार अपने अनलिमिटेड wants और लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करता है, उससे रिलेटेड जो पूरा स्टडी है
उसे हम नाम देते हैं इकोनॉमिक्स, है ना, हम उसे नाम देते हैं इकोनॉमिक्स। सो ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपका, है ना, ये सब्जेक्ट जैसे आपको पता होगा कि आपको टोटल एफआईजेसी में 6 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आपको बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, आपको मैथमेटिक्स या एसपी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, आपको हिंदी या आईटी या मराठी ऐसा सब्जेक्ट्स है, आपको इंग्लिश करके एक सब्जेक्ट है, एंड सिक्स्थ वन यू हैव इकोनॉमिक्स। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करोगे, है ना, तो इकोनॉमिक्स और बुक कीपिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एफआईजेसी से स्टार्ट होते हैं, आपको टीवाई बीकॉम के एंड तक ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। आप चाहे सीए करोगे या आप चाहे सीएस करोगे या चाहे आप सीएमए करोगे या आप चाहे लेटर पार्ट्स ऑफ एमबीए करोगे, तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो हमेशा आना ही है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन वी से दैट कि इकोनॉमिक्स हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एफआईजेसी इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपके काफी सारे कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर करवाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप एफआईजेसी इकोनॉमिक्स के बारे में सुनोगे या आपने अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आप देखोगे पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, मनी क्या होता है, चैप्टर 2 में दिया गया है। चैप्टर 4 में आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। चैप्टर 5 में आप रूरल एरिया के बारे में जानते हैं। बिकॉज इंडिया का आज की तारीख में भी अगर हम कंसिडर करें तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहता है। सो देयरफॉर रूरल डेवलपमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं। आप चैप्टर 5 में, है ना, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़े। चैप्टर 6 में पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एक्सेसिव पॉपुलेशन। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड फॉर दैट रीजन, है ना, पॉपुलेशन जो है वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सो आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चैप्टर 7 में स्टडी करते हैं। आप पॉवर्टी के बारे में चैप्टर 8 में स्टडी करते हैं। चैप्टर 9 जो है ना इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया सिंस 1991। 1991 से हमारे देश में क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई थी, उसको आप नाम देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है। सो देन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इज ऑल अबाउट 3 इंपॉर्टेंट things or 3 important measures which government had taken in 1991, that is liberalization, privatization and globalization, ठीक है। so liberalization, privatization and globalization, ये तीन चीजें जो है आप study करते हैं chapter number 9 में। and chapter number 10 is about economic planning in India। फ्रेंड्स, हमारे घर पे भी हमारे पेरेंट्स जो है वो घर का इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। हम कोई भी खर्चा इरेशनल वे में करना पसंद करते हैं क्या? हमारी मम्मी जो है वो हमेशा हमें सिखाती है कि भाई पैसा जो है वो संभाल के यूज किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, है ना, पूरे देश का भी जो इकोनॉमी है उसका भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इसी वजह से हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसे 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने देश में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू किया था। फिर 2014 में
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फिलहाल हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। ओके, नाम दिया गया उसे नीति आयोग। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 10 में, और इस प्रकार से आपका पूरा FIJC इकोनॉमिक्स का पोर्शन क्रिएट होता है, जो आपका इकोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग का एक बेस क्रिएट करता है, जिसके बेसिस पे आपका आगे का पूरा इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। सो फ्रेंड्स, है ना, एक FIJC इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अपने आप में जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डे टू डे लाइफ में, है ना, मार्केट में देख सकते हैं, आप मार्केट में उसे समझ सकते हैं। जब भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपना मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या मार्केट में कोई नया सेल्स स्ट्रेटेजी लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इकोनॉमिक के बेस पे, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होती है। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दिस वंडरफुल सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।